भाई साहब एक बात मैं आज करना चाहूंगा, बात की आपसे डिस्कशन हुई और आपने खास तौर पर दो मसाइल की तरफ जो है वो जोर दिया, ताकीद की। एक तो यकीनन बिजली का बोरान है, एनर्जी क्राइसिस है, और दूसरा कराची का लैंड ऑर्डर। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह ताला हर मुमकिन इस पर कोशिश पाने के काबू पाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम हूं, वेलकम टू द शो है कोई जवाब, और मैं हूं आपके साथ नादिया मेहता। वसीम, आज के प्रोग्राम के आगाज पर एक बड़ी पुरानी सी मिसाल याद आ रही है, बल्कि एक नसीहत याद आ रही है जो अमूमन तौर पर शायद इस प्रोग्राम से रेलेवेंट जरूर हो, और मैं ये सोच रही हूँ कि आपसे जरूर इसको शेयर भी किया जाए। पहले जमाने के बुजुर्ग माएं अपनी बेटियों को ये कहा करती थी जब उनकी शादियां होती थी कि जी अगर ससुराल में घर करना है और शौहर के दिल में घर करना है तो शौहर के दिल का रास्ता मैदे से होता हुआ गुजरता है। और आज जो सियासी सूरत हाल है उसमें हमें ये लगता है कि तमाम हुकूमती हवालों का रास्ता, चाहे वह अवान सदर हो या वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, वो एमकेएम के मरकजी जो उनका दफ्तर है, जो 9 सीडियोज है, वहां से होके गुजरता है। माजी की मिसाल है मियां नवाज शरीफ साहब चाहो या चाहे वो बेनजीर साहबा हो, और आज के मिसाल में जो सदर आसिफ अली जरदारी हो, वो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी हो, या आज के वजीर आजम जो कि राजा परवेज अशरफ साहब है, उनका नाम अभी तक वजीर आजम के नाम पर मुश्किल से ही हमारी जबानों पर चढ़ता है। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने 9 सीडियो का विजिट किया, आए थे वो शुक्रिया अदा करने के लिए थे, लेकिन देकर क्या गए, क्या बातें हुई, मजीद क्या होगा, हमारे साथ इससे जो शख्सियत पर मौजूद है आज एक्सक्लूसिव उनसे हम बातचीत करेंगे। डेप्टी कन्वीनर है एमकेएम के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब, जो मैंने अभी ओपनिंग रिमार्क दिए हैं उस पर कुछ कमेंट करेंगे, ऐसी होता देखिए इसमें तो कोई शको शुबे की बात नहीं कि मुल्की इस्तेहकाम और पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग के लिए अब पाकिस्तान का खास व आम इस बात को जानता है कि उसमें कायदे तरीके अल्ताफ हाइकर एमकेएम का एक बड़ा किरदार है, और उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क किसी भी तरह की महागारे के मुतहमल नहीं हो सकता, चाहे वो सियासी जमातों के दरमियान जो है वो एहतजाज अपनी जगह पर है, इख्तलाफ अपनी जगह पर है, लेकिन वो इख्तलाफ या एहतजाज एक हद से अगर तजावुज करे और इसी तरह रियासती इदारों के दरमियान कोई महाजाराई हो, खुदा ना खास्ता या तशादुम हो, तो मुल्क किसी भी तौर पर उसका मुतहमल नहीं होता। ये बार बार बात उन्होंने कही है, और अमूमन एमकेएम के ऊपर इल्जाम लगाया जाता था कि 90 की दहाई में खासतौर पर कि हमने 3 मरतबा कम से कम हम 3 हुकूमतों में गए और 1.5 साल या 2 साल के अंदर हम उन हुकूमतों से बाहर आ गए, कुछ ऐसे उसूली इख्तलाफ हमारे लिए। लेकिन गुज़िश्ता 8-10 सालों से जो एमकेएम की सियासत में एक और जो नुमाया बात नजर आ रही है वो ये है कि किया कि क्योंकि ऐसा बसा औकात हुआ है कि जब भी हम हुकूमत से अलग हुए हैं उन 3 मवाकों पर भी, लेकिन 90 की तारीख अभी भी तो दोहराई गई है ना, मतलब इस हुकूमत से भी आप निकले, फिर आए, फिर निकले, फिर आए, फिर निकले, फिर आए। हाँ, लेकिन एक निकलने के बाद फिर वापस गए, इसका मतलब ये है कि कोई वापसी का दरवाजा हमने खुला रखा था। अच्छा, जबकि आप लोग कहते ये थे कि अब दफा हम फाइनल निकले, कुछ सियासी तौर पर ये बात तो की जाती है। अच्छा। लेकिन चूंकि 5 बातें खासतौर पर, मुल्क के जो वसी पर कौमी मफादात है, मुल्क के इस्तेहकाम नंबर 1, नंबर 2 जमहूरियत का फरोग और जमहूरी अमल का तसलसल, नंबर 3 पाकिस्तान की मईशत को एक मौका देना, वरना यह होता है कि अमूमन जब कराची से सियासी अमल डिस्टेबलाइज करता है और डीरेल करता है तो उसका सारा इल्जाम हम पर आता है, और गोवा की बात होती है और हम पर ही इल्जाम लगता है कि हम फौज की बी टीम है, या हमने ISI के कहने पर, या हमने कोई पंजाब की कोई जो बड़ी सियासी जमात है
पीएमएलएन के कहने पे अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो चूंकि सिंध उनकी बड़ी बेस है तो एमकेएम गोया के जो है वो किसी और एजेंडे पर वो करके, तो मेरे ख्याल में ये सारे इस तरह के जो तास्करात थे हमने उसको जारी किया है क्योंकि उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी है और हम चूके नहीं है ये अपने हलीफ को भी बार बार बावर कराने में। आज भी हमने वजीर आजम साहब को बताया कि हमारे हलकों में नौकरियां नहीं दी गई, हमने आज भी उन्हें बावर कराया कि आपने मकामी हुकूमतों के इलेक्शन नहीं गए, क्योंकि थोड़ी बहुत फैसलों में पॉलिसियों में ये थोड़ा बहुत हमें अख्तियार मिलता था या पार्टिसिपेशन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। चार सालों से हमारे हलकों में कोई तरक्याती मनसूबा जारी नहीं हुआ और हमें कोई ऐसे डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिले जो हमारे एमएनएस या एमपीएस के जो फंड्स होते हैं उसके अलावा, ये सारी बात है। तो हम कुर्बानी दे रहे हैं मुल्क के लिए, हम कुर्बानी दे रहे हैं जमहूरियत के लिए, मईशत के लिए और मफाहमत को कामयाब बनाने के लिए। आपकी इन तमाम बातों को मान लूं कि आपने उन जो आपके इंप्रेशन थे, जो आपके इल्जाम थे, आपने उनकी नफी की, उनको जाहिर किया, लेकिन जो आज भी जो सियासतदान जो सुनों की बात करते हैं, जो दो दिन एक दिन कबल मैंने चेक की आपको भी इवन देखा, जो हमेशा एमकेएम के बारे में अच्छे ही कलमात कहते थे और दीगर भी, कि ये वो मौका था जब पीपल्स पार्टी के जो भी फेलियर थे और एमकेएम गाहे बगाहे जो एमकेएम की अपनी तारीफ थी, चाहे वो एनआरओ चाहे वो कैरी लुगरो, ये मौका था कि एमकेएम बताती और ये उनको बाबर कराती। और जिस तरह से अगर आप नहीं आप जाके अपोजिशन से मिलते कि जी उनका आपने साथ दे दिया किसी के एजेंडे पे, मौलाना फजलुर रहमान की मिसाल देखें, वो तो सियासी तौर पे उनका कद ऊंचा हो गया। आप लोगों पर लोग ये बात कर रहे हैं कि देखिए जी एमकेएम उसी हुकूमत को कहती है कि ये फेलियर्स है, ये फेल हो चुके हैं रियासत की तौर पर हुकूमत करने के लिए और उन्हीं का फिर प्राइम मिनिस्टर चुनती है। देखें ये तो एक तासर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हमारी मखलूत हुकूमत के बारे में, और हम भी लोगों की सेंसिटिविटीज या उनकी आरा जो है वो उसको हम रद्द नहीं करते। आप बताइए कि वजीर आजम जो राजा परवेज अशरफ हैं उनके बारे में जो ताजे तासर रहा या तहफात रहे लोगों के उनकी नॉमिनेशन में, और उनके बार बार उनकी वो फुटेज चलती है कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि दिसंबर तक हम लोग सब खत्म कर देंगे, ये सारी बातें उनकी बड़ी नेगेटिव उसमें आती है। अच्छा, लेकिन चूंकि सियासी तौर पर हम पीपल्स पार्टी के तार दिए हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ अल्ताफ भाई की घनी हमांगी है, मुल्क की जो कौमी उमूर और इश्यूज है उन पर उनकी एक यक्षा अप्रोच है, तो अल्ताफ भाई ने देखिए कौन इतनी जुरत कर सकता है कि वो घर आए हुए मेहमान उनके सामने ही कहा कि आपके बारे में तहफात हैं लोगों के, आपके बारे में यह राय है, हम आपके लिए दुआगो भी हैं, आपको मुबारकबाद भी देते हैं और हमने जिन बड़े मकासद के लिए आपका साथ दिया है तो आप भी कम से कम हमारे इस साथ का ये पास कीजिएगा कि जो माजी में आपके बारे में लोगों की राय है या तासुर कायम हुआ है तो आप आपके बारे में लोग वाह वाह करेंगे, अल्ताफ भाई ने कहा है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, आपने वालेहाना इस्तकबाल किया, वो सिर्फ तासुर नहीं है, वो सिर्फ राय नहीं है, उनपे करप्शन के केसेस है, इंटरनेशनल मीडिया मेरा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है वो उनको रेंटल प्राइम मिनिस्टर रेंटल राजा के नाम से लिख रहा है, तो आप इसको सिर्फ तासुर और राय, मतलब मुझे तो ये लगा कि एमकेएम जितना वालेहाना उनका इस्तेमाल कर रही है, जितनी उनके ऊपर करप्शन के केसेस है जो तासुर जिनको सिर्फ आप तासुर का नाम दे रहे हैं मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इमेज उनका आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए लोगों की आरा मुख्तलिफ तरीकों से बनती है, तो ये कोई एमकेएम ने इस बात का बेड़ा नहीं उठा कि किसी के बारे में अगर सही तासुर है तो उसको गलत कर दे या उसके मुख्तलिफ उसके बरस कोई और तासुर हम कायम करें तो हो नहीं सकता। हमारा सिर्फ मकसद ये कि आइंदा इंतखाबात में कितने महीने रह गए हैं, एमकेएम जिस इत्तेहाद में गुज़िश्ते चार साढ़े चार सालों से मौजूद है, अगर अब छह माह अगर इंतखाबात में रह गए हैं तो हमने तो इस बात पर इसरार किया कि वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए, हमें उन इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए, अब हमें आवाम की अदालत में जाना है। दो बड़े मसाइल, हमने ये भी कहा कि लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है, और अल्ताफ भाई ने यह भी कहा कि जो तासुर था या गलतियां आपने की हैं अब उसकी इस्लाह की भी गुंजाइश है, और जब तक अदालतों से कोई इल्जाम साबित नहीं होता, जब तक मतलब ये जो रेंटल पावर प्लांट में भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके उसके बरक्स अगर कोई बात हुई है राजा परवेज अशरफ का इंतखाब या उनके नाम से की कहा उनके साथ कार्रवाई करें और हुकूमत ने उनका उनकी मिनिस्ट्री उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया। देखें पोर्टफोलियो बिल्कुल उनका चेंज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी, उनके खिलाफ जो नाम दिए गए हैं आप उसको देख लें, फैसले को पढ़ लें, हमने उस फैसले को पढ़ा उनकी नामजदगी से पहले, हमने
प्रेसिडेंट साहब के साथ भी इस मसले को जरूर उठाया था, लेकिन हमने कोई सौदेबाजी के लिए नहीं उठाया था कि हमें कोई जो ये कहा जा रहा है, ये स्पेकुलेशन होती है कि कोई हमें होम मिनिस्ट्री चाहिए थी सूबे की, तो ये भी मैं पास कर यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट भी होगा। तो देखो ना, ये एमकेएम ने कभी नहीं किया, ये एमकेएम का रिजल्ट बड़ा आला है। और जब हम इनके साथ हैं, जब मुशर्रफ साहब के साथ थे तो मुशर्रफ साहब के भी साथ थे, और जो उनके जमाने में अच्छे काम हुए उसको आज भी हम कहते हैं कि वो अच्छे काम हुए, ठीक है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में, चाहे वो एनएफसी हो, 18वीं तरमीम हो, जो भी अच्छे काम इस पार्लियामेंट ने किए हैं, हम उसकी भी बात करते हैं। लेकिन अब चंद माह में जो अगर हम अगले इंतखाबात चलता है, नहीं तो कहा तो अपोजिशन को इंतजार करना चाहिए, अब आवाम की अदालत में हम सबको जाना है। और इनको भी तो वार्निंग दी है, यानी हमने तो दाना दोस्त का किरदार अदा किया, हमने नादान दोस्त का नहीं, हमने दाना दुश्मन का नहीं, हमने दाना दोस्त का किरदार अदा किया। और इनको भी कहा कि आपको भी जाना है, पाकिस्तान के आवाम को। अब पाकिस्तान के आवाम जो बहुत बाशऊर हैं और वो एक मुस्तकिल तब्दीली की बात कर रहे हैं, अल्ताफ भाई ने तो सामने था कि जो करप्ट और लुटेरे इस पार्लियामेंट में है, अब आवाम अगले इंतखाबात में उनको मुंतखब ना करें। अब आवाम तो ना करें, आवाम तो ना करें, लेकिन वो एमकेएम की पार्टी जो उसूलों के हमेशा से बात करती है, एक सेकंड, उसूलों की बात करने के लिए अगर हमारे सामने, हम अगर पूरी जो इस वक्त पार्लियामेंट की और जमहूरियत की जो बिसात है उसको खुदा ना करे हमारे किसी फैसले से वो गैर मुस्तकम हो जाए और सारा मलबा हम पे गिरे, मुल्क के सारे दानिश्वर और उसमें आज अपोजिशन की जमातें भी जो खुश होंगी शायद हमारे समाज से, लगता है कि अगर हमने तो खत्म हुई तो फिर क्या कुछ और ही होगा। उसको तो मुझे बात नहीं है, फौरी तौर से तो नहीं, हमने तो इंतखाबात हो तो इंतखाबात की क्या जमानत आप देंगे अगर ये कोई फौरी तौर से पार्लियामेंट में खड़ा है। देखें, वो तो अल्ताफ भाई ने उसकी निशानदेही की और बहुत सारी जमहूरी कुवतें उसकी निशानदेही कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब अपोजिशन करते करते भी ये कहते हैं कि हम डीरेल नहीं होने देंगे जमहूरियत को, तो वो क्यों बात करते हैं? इसका मतलब ये, इस बात का इम्कान हमेशा रहता है और है, तो हमें इसको भी सामने रखना होगा। और अगर फौरी कोई मुतबादिल नहीं है, और जब हुकूमत से हटे थे तो नवाज शरीफ पीएमएलएन ने अगर उस वक्त कोई नो कॉन्फिडेंस देना था, उस वक्त एम देना था, उस वक्त एमकेएम के साथ कोई ऐसी बातचीत करनी थी जिसके नतीजे में उस सलाह को फौरी तौर से हम पूर करते, इतना इस्तेहसार काम रहता। इस बार भी जी इशारे रास्ते थे, इस बार हाँ इशारे रास्ते इस बार जो हुए वो ज्यादा बेहतर है। ये हमें हाँ वो उन्होंने जो भी आए हमसे मिले तो उन्होंने यही कहा कि जो अदलिया है उसकी आजादी को, उसको मुकदम रखने के लिए एमकेएम के साथ जो है वो एक मुलाकात की, इस दफा हसन इकबाल आए थे ना और मुलाकात की थी हमारे वर्ष से। और इसके अलावा हमारे इशाददार हैं, साद रफीक हैं, परवेज रशीद हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लोग पीएमएलएन के पार्लियामेंटेरियन से मिलते हैं, एक साइड लाइन्स पर जो इजलास के तबादला ख्याल होता है, तो हम भी पॉलिटिकल एनिमल हैं, हम सियासी कारकुन हैं, और हम समझते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का हल इस वक्त किसी एक सियासी जमात के पास नहीं। फिर अमर वाक्य ये भी कि इस मुल्क का मैंडेट स्प्लिट है, जो कि हमें खदशा है कि आइंदा इंतखाबात में और स्प्लिट होगा और उसमें शायद कोई नए जो फरीक हैं वो भी आएंगे, तो फिर हमें इन हकायक को भी सामने रखना है। तो किसी एक सियासी जमात के पास ना इतना मैंडेट है, इतना तप्पड़ है, तो क्या ना उसके बस में है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करे। इसी दफा आप लोगों ने शिकवा ही किया था कि नून लीग ने, जब आप लोग हुकूमत से रहता हुआ नून लीग ने आपसे रब्ता नहीं किया, इस दफा नून लीग ने आपसे रब्ता किया, क्या ये बेहतर नहीं होता कि नए वजीर आजम के चुनाव से बेहतर ये होता कि हम अगले इलेक्शन की आप पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बिल्ड करते कि जी ठीक है आपने चार साल मुकम्मल कर लिए, अब आप पंचायत सेटअप की तो बात की है, लेकिन आप कहते थे गवर्नमेंट ले आए और फिर अब आप नए इलेक्शन करा। हमने तो ये मशवरा दिया है वजीर आजम साहब को, सदर ममलिकत को, कि जो उन्होंने असेंबली में अपना पहला खिताब किया था वजीर आजम मुंतखब होने के बाद, तो उन्होंने ये जिक्र शुरू किया, सबसे पहली बात उन्होंने की कि आइंदा इंतखाबात वक्त पर होंगे, साफ और शफाफ इंतखाबात हम कराएंगे। तो हमने हमारी ख्वाहिशी की ये बात भी कहते हैं, और अब किसी मौके पर वो कह दें कि मैं तो अब उबूरी हुकूमत के क्याम के लिए जो है वो अपोजिशन को एंगेज कर रहा हूं, और सबसे पहले हम उबूरी हुकूमत ये सेटअप का ऐलान करेंगे ताकि जो उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म है प्रोपेगेंडा उसके गुब्बारे से हवा ही निकल जाए। आप चाहते हैं कि अब वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ये ऐलान कर दें, ये चलें, हमें चाहते हैं और वो कहें, मुतालबा तजवीज हमने दी है कि अगर वो ये कहेंगे तो वो सारा झाग बैठ जाएगा लोगों के जहनों में, अगर कोई भी उनके बारे में शको शुबा है कि उनकी नीयत जो है वो जमहूरी अखदार को कायम रखने और जमहूरी अमल को जो इंतखाबी अमल आगे आ रहा है उसमें कोई बात है, तो वो तो ये कहें कि मैं जा रहा हूं अपोजिशन के रहनुमा निसार खोड़ों के घर पे
और मैं उगूरी हुकूमत के कयाम के लिए उनसे सलाह मशवरा कर रहा हूँ। बिल्कुल ये हमारा, हमने मशवरा दिया है और हम इसको बार बार उनके ऊपर हैमर कर रहे हैं। और आज भी हमने उसी वाली बात की जहाँ हमने तवानाई के बहरान को जंगी बुनियादों पर खत्म करने के लिए कहा इकदाम करें, और उसमें ये पंजाब और सिंध के एक दूसरे को सामने जो है वो लाकर लड़ाने की कोशिश की जाती है। आज भी ये टिकट चले थे कि गोया के वजारत पानी और बिजली ने फैसला किया है कि कराची को जब वापदा से थोड़ी बहुत बिजली मिलती है हाइडल पावर से जो 700 मेगावाट की, वो वापस ली जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, पंजाब के सनतकार ताजे चाहते हैं, उन्हें यह तासर दिया गया कि गोया के ये नेशनल ग्रिड से जो हमें बिजली मिल रही है उन्हें मिल जाएगी तो उनका मसला हल हो जाएगा। खुदा की कसम अगर वहां की लोड शेडिंग 1/3 भी खत्म हो जाए तो हम अपनी 600-700 मेगावाट बिजली को देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसका मुतबादल मौजूद है तवानाई का बहरान कि पाकिस्तान की जो कौमी गैस है वो फर्टिलाइजर प्लांट की जगह पावर प्लांट को अगर दे दें, उसकी तरजीहत का अस्तर नौ तयन कर दें, और इसके अलावा सर्कुलर डेट को थोड़ा सा बजट खसारा बढ़ा के और थोड़ी सी हिम्मत करके अगर वो मसला हल कर दें तो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस वक्त 3000 से 6000 मेगावाट की इजाफी मौजूद है। वो फ्यूल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, और वो पेमेंट के झगड़े आपस में पीएसओ को बैन अक्वामी कंपनियों को देने हैं और जो पावर प्लांट्स है उनको पीएसओ को देने। अगर ये मसाइल हल हो जाए आप लोग सही कराएंगे? हाँ, हम इसके पीछे लगे हुए हैं कि हमें आप ताकि ये पंजाब और सिंध और लाहौर और कराची या फैसलाबाद कराची के दरमियानी बिला वजह का ये मसला खड़ा कर दिया गया है। और पंजाब के आवाम को और पंजाब के सनतकारों को ताजरों को ये हमें उनके मसाइल हमें पता है। हम कौमी सियासत कर रहे हैं, हम कैसे चाहेंगे कि कराची की सनतें जो है वो 24 घंटे काम करे और फैसलाबाद और लाहौर की सनतें बंद हो जाए? ये हरगिज अल्ताफ भाई जो है वो इसके हाथ में नहीं है। और लेकिन इसके मसाइल का हल ये नहीं है कि इसकी बिजली काट के उसको दे दे, उसकी बिजली काट के उसको दे दे। जिस तरह से मैं कह के गई थी कि हम एक नजर जरूर डालेंगे कि आज के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ पे जो करप्शन के इल्जाम आते हैं जिनको सिर्फ तासर करार किया जा रहा है, वो सिर्फ तासर नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे। उसने उन्होंने कहा था कि नए वजीर आजम की रबदारी से 84 रोज कबल रेंटल पावर प्लांट के 455 अरब रुपए के स्कैंडल्स में सुप्रीम कोर्ट ने उसके वजीर पानी बिजली राज के वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2012 को आरपीपी केस के फैसले में वाजह तौर पर राजा परवेज अशरफ के मुताबिक लिखा था कि चुनाचे तमाम हुकूमती एहलकारों बशमूल बिजली और पानी के वजरा जिनके पास 2006 से 2008 तक के वजारत का चार्ज रहा है, जिनके दौर में किराए के बिजली के घरों की मंजूरी दी गई है और तश्कील हुई है, बादी नतों में शफाफत के उसूलों के खिलाफ वर्जी के मुतकब हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बाद उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया। अतः अब तो मामला मजीद आगे सो इस कोर्ट को खत लिखने तक की बात है, आगे कब बताएगा। लेकिन इस वक्त जो हमारा शुरू में भी जो हमने राजा परवेज अशरफ साहब की गुफ्तगू सुनाई जो उन्होंने 90 पे आके कही थी, वो यही कही थी कि दो बड़े चैलेंजेस उनके सामने हैं जिनको उनको फेस करना है, फौरी तौर पर उनको ठीक भी करना है। एक लोड शेडिंग का मसला जिससे वो पिछले वादों में गुजर गए, हालात नहीं कर सके, और दूसरा जो कराची हाइट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुल्की मईशत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कराची का लॉ एंड ऑर्डर जो आज भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, कराची के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आपके अपने वोटर्स ये समझ रहे हैं और ये अब ये इंप्रेशन आ रहा है कि जी प्रायोरिटी एमक्यूएम की कराची का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, अगर कराची के लॉ एंड ऑर्डर पर भी एमक्यूएम कॉम्प्रोमाइज करती है और अपने वोट भी देती है लेकिन कराची का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता, फिर दूसरी जानब इल्जाम कुछ लोगों की सरपरस्ती की भी लगाती है, फिर उन्हीं सरपरस्ती करने वालों को फिर एक दफा वोट देती है, ये कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही है एमक्यूएम? देखिए, एमक्यूएम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है और एमक्यूएम ने कराची का लॉ एंड ऑर्डर हो, तवानाई का बहरान हो या कोई भी मसला हो, कराची की हद तक या कौमी सतह का, हमने ये दावा किया है कि हमने इन मसाइल के ऊपर खुलकर बात की है, तनखीद की अपने हलीफ की, अपनी हुकूमत की, और हमने हुकूमत में रह के एक सख्त किस्म की अपोजिशन का किरदार अदा किया जो शायद जो अपोजिशन की जमात है उसमें फ्रेंडली अपोजिशन का जो है वो उसे टाइटल मिला है हुर्फे आम में, और हमने हुकूमत में रहकर जो अपोजिशन की तो हमें पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि भाई आप हुकूमत में हैं या आप अपोजिशन में हैं, तो जरूरी नहीं कि आप अपोजिशन में जाकर ही अपोजिशन करें, अगर हुकूमत में रहकर आप उसूली बुनियादों पर इख्तलाफ कर सकते हैं। कैबिनेट में हर वो एजेंडा जो कि आपके उसूलों से मुतसादिम है और उसको उस पर आप मुखालफत में वोट देते हैं
और असेंबली में भी एनआरओ हमने नहीं पास कराया जब एनआरओ का बिल आया था, तभी तो ये मसला हुआ। और प्रेसिडेंट साहब के साथ जो मुश्किलात हैं वो इसलिए है कि एमकेएम ने सबसे पहले ये उसूल इख्तलाफ किया था कि हम एनआरओ कानून को नहीं पास कराएंगे। डॉक्टर ये उसूल इख्तलाफ सबको याद, इसका मतलब लेकिन अगर एनआरओ ना पास होने के बावजूद भी अदालतों की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं उसके बावजूद भी अगर सियासी जमहूरिया मुल्क का ये सिलसिला चल रहा है, देखें जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाजे तौर पर आया कि वजीर आजम ना अहल हो गए, सबसे पहले कायदे तरीक अल्ताफ है का बयान है कि हमें अब जरा सी भी छू जरा नहीं करनी चाहिए और सदर जदारी को वजीर आजम इसरता गिलानी को कहना चाहिए कि सबूक दोष हों, हमें अगलिया के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। हमने उसके ऊपर कमेंट भी नहीं किया। इत्तेहादी जमात का सबसे पहले ये बयान आया और ये एक इंप्रेशन आया कि जी एमकेएम ने चूंकि सबसे पहले बढ़कर ये बयान दे दिया तो अब पीपल्स पार्टी कोई बढ़कर एतराज नहीं कर रही, प्रोटेस्ट नहीं कर रही, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या ये क्रेडिट मैं एमकेएम को दूं या एमकेएम ने ये बावर कराया पीपल्स पार्टी को कि नो मोर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हम अपने उसूलों की सियासत कर रहे हैं, आप उस पर क्रेडिट मिलता है या लोग उसको नहीं समझ पाते, समझाइए ना लोगों को। तो वो ये तो जैसे आप खुद कह रहे हैं क्रेडिट लें, इसका मतलब ये बात तो लोगों को समझ में आ जाए। देखिए ना, मुझे क्रेडिट लेना दें, लेकिन ये मेरी अल्ताफ भाई की सियासी बसीरत थी कि उन्होंने सबसे पहले कहा कि इदारों के दरमियान कोई तसादुम नहीं होना चाहिए, और आज भी उन्होंने तमाम इदारों के लिए बात की, मुखन्ना के लिए की, इंतजामिया के लिए की, उन्होंने अदलिया के लिए की, उन्होंने अस्करी इदारों के लिए की, कि हम अगर अपने दायरे का से तजावुज करेंगे तो उससे ना सिर्फ इदारों के लिए तबाही बर्बादी होगी बल्कि पूरे मुल्क के लिए तबाही बर्बादी होगी। तो ये बार बार हमारा जो फर्ज है वो हम पूरा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर मैं वापस आता हूं कि हमने आज भी सबसे पहला मसला वजीर आजम के सामने यही जो हमारे कारकुनों ने सब्र और तहम्मुल का दामन अल्ताफ भाई की तलकीन पर सख्ती से हाथ में थामा हुआ है, हमने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर कराची में बेगुनाह लोगों की के कतलेआम का सिलसिला जारी रहा, हमारे कारकुनों के कतलेआम का, ताजिरों के कतलेआम का अगवा बराए तावान ना देने की सूरत में या भत्ता ना देने की सूरत में, ये जराइम माफिया, भत्ता माफिया, लैंड माफिया, अगर ये इसी तरह उसकी अमलदारी यहां कायम रही तो फिर सब कुछ खसो खाशाक की तरह बह जाएगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। यह हमने इनसे भी कहा है और वाजे तौर पर यह कहा है कि उसके लिए सियासी सरपरस्ती भी जहां से हो रही है उसको भी बंद होना होगा। आपने उनको बताया कि सियासी सरपरस्ती कहां से? बिल्कुल, हमने उसकी वाजे निशानदेही भी की है, बार बार की है, कोर कमेटियों की मीटिंग में की, सदर साहब के सामने की, साबिक वजीर आजम के सामने की, और आज वजीर आजम आए तो उनको भी हमने ये बताया है, हमें भी बताया, और हमने ये भी कहा है कि हमारे कारकुनों को अगवा करके तशद्दुद करके नहीं माना, किस तरह उनकी लाशों को हमारे इलाकों में फेंका गया है, ये अल्ताफ भाई का दिल और जिगर है कि उन्होंने ये इश्तियाल को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन ये कब तक जो भी सिलसिला जारी रहेगा इसको अब रोकना होगा, वरना इलेक्शन तक पहुंचने से पहले क्या सूरत हाल होगी, उसका उसकी कौन पेशगोई कर सकता है। तो और हमने सिर्फ ये मसला नहीं उठाया बल्कि जो तजावीज थी, तो आपने भी कहा कि ये भी शायद वक्फे में ये बात कही थी कि पंजाब में भी ये तासुर है कि जब कराची में एमकेएम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर पंजाब के आवाम को क्या? आप जब ये कहते हैं ना कि आपको एमकेएम को तो कराची से सिंध से बाहर निकलना है, हम जब आपको पंजाब में जाना है तो फिर एक रोल मॉडल तो आपने देना है ना कि जीएमए जब मुस्तफा कमाल साहब ने जब कराची को इतना डेवलप किया आपने जवाब दिया, आपने मेरे जवाब करेंगे वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर की भी एग्जाम्पल हमने सेट की थी, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समझना है कि देखें रोजगार में हमारे हलकों को जो है वो महरूम रखा गया, तरक्याती मंसूबों में हमारे हलकों को महरूम रखा गया, इनके मुंह पे हम बात कहते हैं, फिर मकामी हुकूमत के इलेक्शन नहीं कराए गए और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और खुली छूट जैसा कैसा नजर आ रहा है। अच्छा, आप बार बार लॉ एंड ऑर्डर की सियासी सरपरस्ती का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये सियासी सरपरस्ती कहां से हो रही है? देखें कहीं से भी हो रही है, अल्ताफ भाई देखिए अल्ताफ भाई ने तो यहां तक कहा है कि एक मुजरिम मुजरिम है, एक तशद्दुद करने वाला, दहशतगर्दी करने वाला तशद्दुद का मुर्तकिब है और दहशतगर्द है, उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस फॉर अ क्रिमिनल, ए परपेट्रेटर ऑफ वायलेंस एंड ए टेररिस्ट, एंड
इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन बिला इम्तियाज उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, किसी जबान बोलने वाले से हो, किसी इलाके में रहता हो। और हमने जुमले नहीं अमली तौर पर मुझे बताइए कि हमारे सेक्टर्स पर रेंजर्स के रेड हुए। हमने आज वजीर आजम को बताया, हमने आज तक उसके खिलाफ कोई बयान दिया? हमारे इलाकों में रेड हुए और लोगों को आंखों पे पट्टियां बांधकर मैदानों में 500,000 के करीब हमारे कारकुनों सपोर्टर्स को 3-3 दिन हमारे सेक्टर्स के जिम्मेदारों को, यूनिट के जिम्मेदारों को ले जाके बंद किया गया। लेकिन आज तक हमने जो है वो अपने मुंह पर जो हमने उसके ऊपर हमने जो है वो उसका जिक्र तक नहीं किया। इसलिए कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। और अगर उसमें एमकेएम के इलाकों में भी ये ऐसी कार्रवाइयां ऐसी रेड्स होने हैं तो हमारे यहां से मजाहमत नहीं हुई, लेकिन जहां मजाहमत हो रही है वहां उसका किस तरह तोड़ करना है, जहां असलों की खुली नुमाइश है, जहां एक तरफ पुलिस कैरी को ऑपरेशन कर रही है, छापा मार रही है, 7 दिन तक वो चील वाली जो चील चौक के अंदर दूसरी गली में वहां जो दहशतगर्द हैं, जो वांटेड हैं, हुकूमत की लिस्ट में वांटेड हैं, जिनकी कीमतें लगी हुई हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर वो इंटरव्यू दे रहे मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स को, और यहाँ पुलिस उन इलाकों में घुस नहीं सकती है। तो ये सारी बातें आज हमने की है टीएम से, और ये सारी बातें दिला दिया कि उनकी अब गिरफ्तारी होगी। देखें, हमें यकीन पहले भी दिलाया जाता था और आज भी दिलाया जा रहा है, लेकिन हम ये सब उनको बता रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए आपकी हुकूमत में हैं कि हम ये मौका दे रहे हैं जमहूरियत को, मईशत को, कहीं हमारे बाहर जाने से अगर फौरी तौर से कोई मुतबादल नहीं है और सियासत की बसात अगर लपेट दी जाए, और 3 मौाकों पर माजी में ये हुआ है कि हमारे अलग हो जाने से ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई, ना कोई मुतबादल हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो है वो मावर अदालत कतल हुआ, खुला कतल आम हुआ, सिंधी बोलने वाले सिंधी, उर्दू बोलने वाले सिंधियों में नफरतें और बढ़ गई। तो हम उस माजी को नहीं दोहराना चाहते, लेकिन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि हमारी कोई कमजोरी नहीं है। हमारी आप जो मफाहमत की पॉलिसी को हमने रेसिप्रोकेट किया तो उसके मकसद को समझ के उसकी तरफ आए, और ये 2-3 एजेंडे बना लें। कराची का लॉ एंड ऑर्डर है, बिजली का बहरान है, रोजगार पूरे पाकिस्तान में लोगों को देना है, महंगाई गुर्बत को जिस हद तक कम कर सके, ये सारी बातें की हैं। और अब जबकि 6 माह रह गए, तो अगर हम शायद कोई मुतबादल इस पार्लियामेंट में नहीं दे पा रहे कि अगर हम निकले और कोई और ऑपोजिशन की जमात जो है वो कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके कोई हुकूमत चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब आखिर में तो अवाम की अदालत में बात को जाना है। तो मैं अवाम से अपील करूंगा कि हमसे अवाम भी 7% का आज हमारे पास मैंडेट है, तो 70% का जादू हमसे जो है वो एक्सपेक्ट ना करें। तो 70% का जादू जब एक्सपेक्ट करें कि एमक्यूएम तो एक मुतवस्त जब तबके की वर्किंग क्लास की जमात है, लेकिन अगले इंतखाब में लोग खुद अपने हलकों से, इलाकों से, मोहल्लों से निकले, लॉबिंग करें, ग्रुप्स बनाए और अपना एक नुमाइंदा दे और सियासी जमातों पर दबाव डालें, बात करें तो ऐसे नुमाइंदों को टिकट दें जो अपने पल्ले से पैसा खर्च ना करें। जो हमारा मॉडल है, चाहे वो पीएमएलएन का हो, क्यू का हो, पीपल्स पार्टी का हो, एएनपी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, तब सही तब्दीली और सही अक्सर तब्दीली की। मैं इस मुख्य अशरफ का बताते हैं खुद 90 तशरीफ लाए, कायद अल्ताफ हुसैन ने भी उनसे खिताब किया। ब्रेक के जाने से कबल मुझे बात करनी है पीटीआई के हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से, लेकिन उसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो जाऊंगी तो पाक अमेरिका ताल्लुकात पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब हम 2 चैलेंजेस का जो राजा साहब जिक्र करके भी गए कि पाकिस्तान लोड शेडिंग एक बहरान है और उसके साथ साथ कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और मैम ये समझते हैं कि जो तीसरा एक क्राइसिस है वो बहरहाल पाक यूएस रिलेशंस भी है, किस मैच करें ये भी आपको पता है, लेकिन इससे पहले मैं पीटीआई के हवाले से बात कर लूं। डॉक्टर साहब, हम आपने ये कहा कि आप असरात को जाहिर करना, जो मैंने आपको जिक्र किया कि आपका वोटर आज ये समझता है कि एमकेएम जो है वो कॉम्प्रोमाइज करे, पीटीआई के हवाले से मुझे बताएं कैसे ताल्लुकात हैं, कैसी उनकी तब्दीली देख रहे हैं? बड़ा एक बूम आया हुआ है, यूथ उनकी तरफ डाइवर्ट हो रही है, तब्दीली की वो बात करते हैं, साथ ही वो ये कहते हैं कि जितनी पार्टी इस वक्त फैमिलीज में हुकूमत का साथ दे रही है, कराची के कत्लेआम पे वो मुकमुका कर लेती है, उनके साथ इत्तेहाद नहीं होगा। क्या देखते हैं इस वक्त पीटीआई की क्रेडिबिलिटी या पीटीआई का मुस्तकबिल? देखिए, अगर हमारे लिए जो ये राय ये जो कायम होती है कि हमने मुकमुका किया है और इतने
इतने बुरे हालात के बावजूद भी शायद इख्तदार के लिए हुकूमत से हुकूमत में है और पीपल्स पार्टी से चिमटे हुए हैं, तो मैं इस तासुर को बिल्कुल मुस्तरद करूंगा। क्योंकि इसके बरक्स 90 की दहाई में जब हमने बकौल जो हमारे नाकदीन हैं, हमने जब वो मुकमुका नहीं किया था और हम बाहर आ गए थे हुकूमत से, तो हुकूमत से बाहर आने के बाद जो हालात हुए थे, हमारे कारकुनों के मावरा अदालत कतल में इजाफा हुआ था। देखिए, जराइम पेशा बल्कि जराइम माफिया को हम पे मुसल्लत कर दिया गया है और हम यही कहते हैं कि हमने सबर और सबर किया हुआ है। अगर हमारे रद्द अमल हमारे यहां से शुरू हो जाए तो फिर हालात किस नहज पर जाएंगे उसका शायद लोग अंदाजा नहीं कर सकते। तो यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि हमने मुल्की इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि हमें इस वक्त जो पाकिस्तान का इस्तेहकाम है और उसके लिए कुर्बानियां हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारे तासुर की कुर्बानी हो, जो लोगों की राय है उसकी कुर्बानी हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम बड़ी मेच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हमें पता है कि अवाम की अदालत में जो है वो हम सबको आप जरूर समझते होंगे लेकिन यूथ नहीं समझती। यूथ आज क्यों इमरान खान से आपका साथ दे रही है, कोई क्यों आप लोगों ने छोड़ा है ना? देखिए, ये भी कोई पैमाना आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। इमरान खान साहब ने माशाल्लाह जितना बड़ा जलसा किया था कराची में, उससे कई गुना बड़ा जलसा हमारी सिर्फ खवातीन का था, जिसमें हमारी कॉलेज सालों साल बड़ी बात नहीं है, उनकी बड़ी बात ही कई गुना बड़ा, मैंने क्या कहा कई गुना बड़ा। फिर उसमें माशाल्लाह जो सिर्फ कॉलेजों की जो यूथ जो लड़कियां बच्चियां थी, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी कितनी बड़ी तादाद थी। तो ये भी तासुर कायम कर लेना और लाइन ड्रॉ कर देना जबकि कोई हमारे पास फौरी पैमाना नहीं है, ये जलसे ही हैं, तो बड़े जलसे बड़ा जलसा तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कराची में कर लिया था। तो मेरा ख्याल है कि अब हम ये सारे जो अवाम की राय जो है वो बैलेट में कब और कैसे मुंतकिल होगी, तो अभी बड़े मरहल है जो है उसमें जो तय करके ही उस मरहल तक आप पहुंचे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हैं कि ये सारी इत्तेहादी जमातें जो है वो एक ही थाली के छट्टे पट्टे, ये बात उन्होंने कही ना, लेकिन मैं ये जवाब देता हूँ कि मैं उनकी जगह होता ना तो मैं भी शायरी की बात करता हूँ। सियासी बात है ना, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें ये लग्जरी है, वो पार्लियामेंट में नहीं है, वो अपोजिशन में है, वो इंतखाबात के लिए जाहिर है कि बड़े बड़े दावे भी कर सकते हैं, लेकिन उन दावों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना, अमल दरामद करना, उसके लिए जिस तरह आवाम को मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहरिक करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, लोगों के सिलेक्शन कैसे होगी, आपको इस्लाहाती एक एजेंडा चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बात किए बगैर, अपनी नजरिए को वाजे किए बगैर कि आप सेंटर राइट पर लेफ्ट पर, मैं कोई तनकीद भी कर रहा हूं, मैं वो ये सारी बातें, और अल्ताफ भाई ने तो उनके जितने भी बड़े और कामयाब जलसे हुए बशमूल कराची और लाहौर के, उनको मुबारकबाद, उनको मुबारकबाद, उनके लिए जो है वो बेस्ट ऑफ लक का पैगाम दिया। तो अल्ताफ भाई ने तो कहा मैं तो खुद इस बात का खा हूं कि मुल्क में एक मुस्तकिल और मुकम्मल तब्दीली आए, लेकिन ये मुस्तकिल और मुकम्मल तब्दीली की बात, मुकम्मल और मुस्तकिल तब्दीली के लिए जो अजाए तरकीब हैं, जो चीजें हमें जो है वो सियासी मंजरनामे पर लानी, वो लानी होगी, तब होगी, वरना ये नहीं होना चाहिए कि लोग आखिर में ये कहें कि शराब तो बदल गई, नहीं बदली, बोतल बदल गई, लेकिन नई बोतल और पुरानी शराब, तो इससे काम नहीं चलेगा, और आधा तीतर आधा बटवे से भी काम नहीं अच्छा चलेगा। आपने ये तो एटलीस्ट कहा और हमने ये सुना, कौन ये जा रहा है कि बहरहाल बहुत साल बाद ही सही, बहुत अच्छे बाद ही सही, नून लीग से ताल्लुकात आपके खतरे अब बेहतर हो गए, रास्ते भी बहाल हो गए, ऐसा नेपाल सर से आपसे मुलाकात हुई, क्या खान साहब से भी इमरान खान साहब से भी दूरियां इतनी ही है जितनी उनके जलसे नजर आती है, या कहीं कहीं को कुर्बत को रास्ते हैं? देखिए, हमारी तरफ से तो ना नून लीग से जो है वो हमारे हमने कोई ताल्लुक खराब किया था या हमारी ख्वाहिश की ताल्लुक खराब हूं, ना पीटीआई से या तहरीक या इमरान खान साहब से। आपने तो किया था, देखिए वो एक एपिसोड होते हैं, आप समझिए किसी एक वाक्य पे जो है वो एक एक्शन होता है, उसका एक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो रिएक्शन भी ना हो और कोई ऐसे रास्ते ढूंढे जाएं कि मकालमा कायम रहे, वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो
सियासी जमात बिल्कुल है और होनी चाहिए, मुकालमा कायम है पीटीआई। लेकिन सियासी जमातों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम होनी चाहिए है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम मानते हैं, हमारी तरफ से ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि बशमूल जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ तो फिर बहुत अलग बात हो गई, हम तो बशमूल जमात इस्लामी ये कह रहे हैं। हम तो मुनव्वर हसन साहब से मिलने के लिए मैं तो अछरा गया और मैंने लियाकत बलोच साहब से वहां मुलाकात की थी। ठीक है, तो वसीम अच्छा। बुनियाद इश्तराक के अमल के बगैर उस मुल्क के मसाइल का बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, क्योंकि वैसे तो अब बहरहाल एमक्यूएम भी एक मेच्योर पार्टी के तौर पर, तीसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आ रही है। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी समय में पाक अमेरिका ताल्लुकात इस वक्त जिस महज पर है, जिस कशीदगी में है इस वक्त गिरफ्तार, वो आपके भी इल्म है। पाकिस्तान एक बार बार एक मुतालबा कर रहा है, अब इंसिस्ट भी कर रहा है कि जो अपॉलॉजी होनी चाहिए, वहां पर लियोन पेनेटा और दीगर जो लोग हैं वो कहते हैं कि बात उससे आगे निकल चुकी है। आगे आप क्या समझते हैं, क्या अमेरिका को अभी भी माफी मांगनी चाहिए तभी नेटो सप्लाई बहाल हो, या अब हम वाकई बात आगे निकल चुकी है, हमें भी आगे निकल जाना चाहिए? देखिए दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात जिस महज पर हैं उसके दोनों ममालिक मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और बड़ी फहम व फिरासत का मुजाहरा करने की जरूरत है। अमेरिका में जो पॉलिसी साज लोग हैं उन्हें भी, और जो पाकिस्तान में भी जो पॉलिसी सतह पर लोग काम कर रहे हैं, और हमने हमेशा ये कहा है कि जो इस खत्ते में चैलेंजेस हैं उनका अमेरिका के मफादात से भी ताल्लुक है, और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ अगर पाकिस्तान उनका एक एलाई है तो जो पाकिस्तान के जो कौमी और डोमेस्टिक जो कंपल्शन हैं और मुश्किलात है उसको अमेरिका के पॉलिसी सतह पर लोगों को समझना होगा, हुकूमत को समझना होगा। और ठीक है, हमने ये माफी का मुतालबा देर से किया और उसकी वजह से शायद ये वक्त निकल गया, वरना हमें ये बावत बताया गया। दस बर्दार हो जाए तो बेहतर। देखिए हम दस बर्दार हो ना हो, हमारा ये मुतालबा रहे हम उससे दस बर्दार ना हो, लेकिन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए वो जो चार दीवारी जो एक करारदाद मंजूर की है पार्लियामेंट ने, जो मुश्तरका इजलास में नेटो सप्लाई की बहाली या अमेरिका से ताल्लुकात और नेटो से ताल्लुकात बहाल करने के वाले से, उस चार दीवारी में रहकर बड़ी गुंजाइश है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, पेशरफ करनी चाहिए और अमेरिका को एंगेज करके पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उससे आगाह करके है। जो है वो हमें इन मसाइल को हल करना चाहिए, और जो और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जितने बढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो बिल गेट्स के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अच्छे रखने, अगर ओबामा के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे कशीदा हों तो शायद उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बिल गेट्स के अमेरिका के साथ कशीदा ताल्लुकात के हम मुतहमिल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब निकायदे का, अल्दो की आपका बहुत बिजी डे था, पीएम साहब आज यहाँ पर मौजूद है। नासिर हमारी कोशिश थी और गुफ्तगु करने की अपनी कोशिश यही की कि मुख्तसर वक्त में ज्यादा से ज्यादा बात कर सके, जो चैलेंजेस पीएम के सामने है, राजा प्रदेश अध्यक्ष के सामने है, उनको उन्होंने पूरा करने की यकीन दहानी भी कराई है उन्हीं